कैम्बूर के लोकप्रिय सीनियर पीआई नागराज मच के एसीपी बनकर हुए रिटायर। बधाई देने पहुंचे कई लोग। अपनी कर्तव्य निष्ठा और मृदु स्वभाव के चलते आम लोगों के बीच लोकप्रिय चैम्बूर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई नागराज मच के रिटायर हो गए। ड्यूटी के आखिरी दिन उन्हें बधाई देने कई लोग पहुंचे थे। रिटायरमेंट के दिन ही उन्हें एसीपी का प्रमोशन मिला। उन्हें प्रमोशन और रिटायरमेंट की बधाई देने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे थे। फूलों से उन्हें बधाई दी गई। इस दौरान वे भावुक नजर आ रहे थे। पुलिस विभाग में सेवा का अनुभव बयान करते हुए उन्होंने बताया कि जनता की सेवा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। रिटायरमेंट तो पहले से थे। आज जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए गेट टुगेदर फंक्शन था। तो फंक्शन में सिटी सब ने रिप्लेस कर दिया कि 15 लोगों का जो है अफसर था चुने किया जो हो चुकी उनमें से मेरा नाम भी अगर साथ में और मिनिस्टर हैं कपिल देव साहब सबका नाम ले लिया और उन्हें बताया हम आपको ए सी पी बना के ही रिटायर करते हैं। इतना अच्छा माहौल करने बना के रखा और इस खुशी के माहौल में सर को फैमिली के साथ में ऐसा अपना नाम प्रमोशन से डिक्लेयर करता इसलिए अगर प्राउड हो तो सर का नेचर ही ऐसा है हमने उसको सब कुछ करना इसलिए पूरा बंदे पुलिस जो है उनके नाश कर बहुत बड़े अच्छा है और बहुत अच्छा है। वैसे देखें तो बहुत सारे घटनाएं हुई हैं इतना तीस साल के सर्विस में। जब जब हमारे सीनियर अफसरों में लोग छाप कोई भी काम नहीं और जो लाइफ में जो अफसर हैं जो मुझे डायरेक्ट किए गाइड किए जो प्रोटेक्ट किए ये सब जो अफसर हैं इनके एक्स्ट्रा वर्सेटाइल जो है नेचर था इसके वजह से जो है कभी लाइफ में कभी दिक्कत होती नहीं आए तो ऐसे निकल गए पता भी नहीं था इसलिए सब अफसर अदा करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कॉमन मैन यदि हमारे एजेंडे में रहते हैं यदि हम सुन लेते हैं उनके चुनाव पहले थे जिसका कोई नहीं उसका पुलिस अपना बन जाते हैं उनकी किसी रख सकते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई जो है रिवॉर्ड नहीं है। और पुलिस के लिए हर दिन नया है हर मोमेंट नया है हर इशू नया है और हर इशू जो है उतना ही जो है पावरफुल होता है कि हम समझते हैं दिखाई देता है। अनसिन बातें जो बहुत सारे रहते हैं तो जो हैंडल करने बहुत दिक्कतें हो जाती है लेकिन सुपीरियर्स के वजह से उनके गाइडेंस जो है उनका सपोर्ट उनके साथ में हमें ठीक है और सक्सेसफुल यही है कि सबका सहयोग सबसे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पुलिस लिए पुलिस स्पेशली जनता के लिए और जिसका कोई नहीं है जो परेशान है तकलीफ नहीं है जिसका कोई सुनवाई नहीं है वो पीड़ित है इसे लोग जो पुलिस के लिए अक्सर आ जाते हैं यदि उनका सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा इसलिए अवसर को देने होना चाहिए उनको सुन लेना चाहिए उनको समझ लेना चाहिए एक बार नहीं समझते दूसरी बार समझ लेना चाहिए यदि आपको कोई बातें समझ में नहीं आते हमारे जो हेयर अफसर है उनको कंसेंट करना चाहिए उनके नॉलेज में लेके बताना चाहिए उनका एक्सपीरियंस उनका जो है स्टैटा अपर स्टैटा थिंकिंग का उन्हें हेल्प करती है। इसलिए हर अफसर को हर जो है स्टाफ को यही सोचना है हम पब्लिक के लिए जो पब्लिक के लिए वो एजेंडे में फर्स्ट रखते हैं कोई दिक्कत नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं आती और पब्लिक और पुलिस का जो है ऐसा रिलेशन बन जाता है भी आपके अंदर भी देखे बस पब्लिक का भी सहयोग बहुत अच्छा है और होना जरूरी पुलिस पॉजिटिव अप्रोच रखती है तो फिर पब्लिक दिखती है बस एहसास उनके दिल में दिमाग में लाने बहुत इम्पोर्टेंट है तो करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है लेकिन आराम देखो सिर्फ में यूनिफॉर्म से रिटायर किया
काम से भी काम तो करना ही हर को करना, जब तक आपका नॉलेज सोसाइटी के लिए यूज हो सकता है वो करना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत सारी बातें जो आज तक नहीं किए थे वो सब बातें हो गई, फैमिली को वक्त देना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए और समझ के जो है जो भी रिश्ते आज तक जो है दूर दूर चले गए उस हर रिश्ते को नजदीक लेके आने वो करते टाइम पे जो है पुरुष में ही पहले था और पुरुष ही रहेंगे, नीचे बदलेगा नहीं सोच बदलेगा नहीं, इसलिए इसका फायदा जो है और ये सब करने से मुझे पर्सनली खुशी मिलती है और खुशी का हर का देखने का तरीका अलग अलग करने का अलग है। लेकिन लोगों को मदद करना, लोगों से जुड़ जाना, उनसे बात करना, बस यही मेरा शौक है और यही कायम है।